सोमवार को मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद जबरदस्त मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक पक्ष की युवती समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को परिजनों द्वारा उपचार हेतु जानसठ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध तहरीर देते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गांव सिकंदरपुर की रहने वाली महिला अपनी पुत्री समेत किसी बीमार को देखकर अपने घर वापस आई थी। उसी समय उनका पड़ोसी नदीम किसी फेरी वाले से सामान खरीद रहा था। फेरी वाले को देखकर जब महिला ने फेरी वाले से उसका ठेला उनके घर के सामने से हटाने को बोला तो इस बात को लेकर पड़ोसी नदीम क्रोधित हो गया तथा महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। इसी बीच महिला की पुत्री मुस्कान भी अपने घर से बाहर निकल आई तथा नदीम का विरोध करने लगी, जिस पर नदीम व उसके साथियों ने युवती को खींचकर कमरे में डाल लिया तथा युवती को बचाने पहुंचे उसके भाई व पिता को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए तथा पीड़ित पक्ष ने सभी घायलों को उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराते हुए मीरापुर थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार पुलिस से लगाई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदरपुर। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मैं गांव में से आई थी भाई, एक औरत को देख कर पेशाब खाने वाला खड़ा था मोहंडे में। मैं कहने लगी इनको भाई अपने मोहंडे में ले ले, मैं लोंडे खड़े यहाँ से ना रहिए भैया पेशाब खाने वाले को। उनने कहा उनको टंडल आ रहा है इसका सिर फाड़ो। अच्छा वे मैं नहीं उठा लिए टंडे ले आए, यहाँ कोई बच्चा नहीं था। लोंडा को खींच के घर में घेर ली और धा दू। फिर ये लोंडा आया किवाड़ ने खोल ले, किवाड़ तोड़ के इन्होंने फिर डंडे मारे इसके सिर पर जब लोंडा को निचोड़ दी। यो मैटर सब है। घायल हैं? कौन कौन घायल हैं? एक लोंडा हैगा, एक मेरा आदमी हैगा, एक लोंडा हैगी। क्या क्या नाम है? एक मुस्कान हैगी, एक सानवाज हैगा और सईदुद्दीन इनका बाबा हैगा।